नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रूम में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बेनाडिल सिरप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्या इसके यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसमें कंपोजिशन पाया जाता है, किस किस बीमारी में हम बेनाडिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेनाडिल सिरप की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है, और प्राइस की बात करें तो 99 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। दोस्तों ये 150 ml की पैकेजिंग में आता है, और दोस्तों ये आपको 100 ml की पैकेजिंग में, 50 ml की पैकेजिंग में भी मिल जाएगा। बात करें इसमें इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट बेनाडिल सिरप के अंदर पाए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, इथेनॉल, डाइफिनाइन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे इंग्रेडिएंट इस सिरप के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों बात करें इसके यूज़ की, बेनाडिल सिरप का हम किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस्तेमाल की बात करें तो जो बेनाडिल सिरप का जो मेनली जो यूज़ किया जाता है खांसी की कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों यदि आपको खांसी है, सर्दी है, या आपके गले में इन्फेक्शन है, दोस्तों आपको पुरानी से पुरानी क्यों ना खांसी हो, आप बेनाडिल सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो थ्रॉट में, जो आपके गले में जो बलगम जम जाता है आपके सीने में, उसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो आपकी पुरानी से पुरानी क्यों ना खांसी हो उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, और देख सकते हैं आपको बहुत अच्छी पैकेजिंग में भी आता है। आप बात करें आपको कितनी कितनी मात्रा में इस बेनाडिल सिरप का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस्तेमाल की बात करें तो आपको ये 3-3 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी से इस बेनाडिल सिरप का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से एक बार आप इसको सेक वेल जरूर कर लें, हिला जरूर लें, मतलब इस्तेमाल करने से पहले। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको इस बेनाडिल सिरप के इस्तेमाल करने से आपको वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, और आपको एलर्जी की शिकायत हो सकती है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको इस बेनाडिल सिरप के इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं बेनाडिल सिरप के। यदि आपको कित पुरानी से पुरानी क्यों ना खांसी हो, कितनी पुरानी खांसी हो, आप इससे बेनाडिल सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस खांसी में ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों मेरे द्वारा जी की जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।